हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम एंड रिच बाय नीलू। आज मैं एक वीडियो प्रेजेंट करने वाली हूँ IFB डिशवॉशर और उसके IFB के डिटर्जेंट्स तीन रेंज में आते हैं। एक है सॉल्ट, डिशवॉशिंग सॉल्ट, एक है डिशवॉशिंग डिटर्जेंट और एक है रिंसे। तो ये पूरा मैंने एक कॉम्बो लिया था। ये एक एक किलो का है डिशवॉशर सॉल्ट, ये एक किलो का डिशवॉशर सॉल्ट है। ये जो है आपके हार्ड वाटर को सॉफ्टन करता है। मोस्टली इंडिया में बहुत सी जगहों पे वाटर जो है बहुत ही हार्ड होता है, तो डिशवॉशर में ये कंपलसरी डलता है, क्योंकि हार्ड वाटर नॉर्मली हर जगह पे मिलता है जहाँ पर भी ग्राउंड वाटर हो। तो इसका यूसेज ये है कि हार्ड वाटर को ये जो है सॉफ्टन करता है, और ये कंपलसरी ही आपके डिशवॉशर में डलना चाहिए। अगर आपको लॉन्गिविटी ऑफ डिशवॉशर चाहिए, मतलब ज़्यादा सालों तक काम करे, इसलिए बहुत अच्छी चीज़ है डिशवॉशर के लिए सॉल्ट डालना। और ऊपर से ये करोजन, मतलब किसी भी तरह से जंग से भी बचाता है आपके डिशवॉशर को। इसकी प्राइस है 140 रुपीज़, जो कि IFB ब्रांड का ही है, IFB एसेंशियल के नाम से बिकता है। तो इसकी एक्सपायरी डेट भी 1 ईयर की है। तो देखिए, इस पर बहुत ही अच्छे से डिस्क्रिप्शन में दिया भी हुआ है एंटी करोजन। ये है IFB एसेंशियल का सेम डिशवॉशर डिटर्जेंट है। ये भी 1 kg के क्वान्टिटी में आता है। तो ये आपके जो डिशेस हैं, बर्तन हैं, उनको क्लीन करता है और उसको स्टेन फ्री रखता है, मतलब कोई भी दाग लगने से उसको बचाता है। और ये भी कंपलसरी डलता है अगर आप IFB ब्रांड का डिशवॉशर यूज़ कर रहे हो। तो 1 किलो के पैक में ही आता है। तो इसको इसके इंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि इसको भी IFB सॉल्ट और रिंसेड के साथ ही इस्तेमाल करना है। तो ये कंपलसरी है, रिकमेंड करता है IFB ब्रांड, अगर आप IFB ब्रांड के डिशवॉशर्स यूज़ कर रहे हो। तो इसकी प्राइस रेंज है 310 रुपीज़, और 1 ईयर इसकी मैन्युफैक्चरिंग गारंटी है, मतलब 1 ईयर तक आप इसके मैन्युफैक्चरिंग डेट के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया डिशवॉशर डिटर्जेंट। और ये है IFB का ही ऑटो डिश रिंसेड। रिंसेड जो है वो आपके बर्तनों में चमक लाता है, मतलब जैसे ही बर्तन धुलते हैं तो जो भी चमक है डिशवॉशर में, मोस्टली आपने नोटिस करा होगा डिशवॉशर में जो बर्तन धुलते हैं उनकी चमक ही अलग होती है, जो कि हम नॉर्मली हाथ से धोते हैं उससे ज़्यादा। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रिंसेड। तो इसकी प्राइस है 140 रुपीज़, और इसकी क्वांटिटी है 200 ml। तो ये तीनों कंपलसरी हैं अगर आप डिशवॉशर यूज़ कर रहे हो। तो ये देखते हैं डिटर्जेंट किस तरह का अपीयरेंस करता है। डिटर्जेंट जो है ये वाइट कलर में होता है, और जैसे मैंने कहा ये 1 kg की क्वांटिटी में आता है, और अप्रॉक्सीमेटली एक वॉश के लिए आपको एक से डेढ़ टेबल स्पून तक डिशवॉशर डिटर्जेंट लग जाता है। डिपेंड्स कि आपकी वॉशिंग क्वांटिटी कितनी है। और ये है डिशवॉशिंग सॉल्ट। ये सॉल्ट जो है इसकी एक बहुत ही डिफरेंट क्वालिटी है IFB की डिशवॉशर डिटर्जेंट की, कि ये पिंक कलर में होता है, और बाकी के आप कोई भी डिशवॉशर डिटर्जेंट्स परचेस करें जो कि सॉल्ट परचेस करें, वो पिंक कलर के नहीं होते हैं। तो ये मैं सॉल्ट जो है लोड कर रही हूँ। अपने एक टाइम में पूरा 1 किलो का सॉल्ट ऐड कर देना है, जो भी कंटेनर है जिसमें हम लोग सॉल्ट ऐड करते हैं। तो डिशवॉशर के साथ आपको फनल भी फ्री में मिलता है, तो उसके थ्रू आप यूज़ करके डिशवॉशर सॉल्ट कम्प्लीटली 1 kg आपको एक टाइम में पूरा का पूरा उस कंटेनर में और उस स्लॉट में डाल देना है। तो इसमें मैं नहीं बता रही हूँ, पर आपको उस कंटेनर में वाटर भी फिल करना है तब तक जब तक कि वो वाटर ओवरफ्लो नहीं हो जाता। तो ये सॉल्ट हमने पूरी तरह से उस कंटेनर में फिल कर दिया है, पूरा 1 किलो कम्प्लीटली आ जाता है एक टाइम के लिए। तो आपको मेक श्योर करना है कि जब भी आप सॉल्ट ऐड करें तो कम्प्लीटली जो है एक डब्बा, मतलब 1 किलो का सॉल्ट पूरी तरह से डिशवॉशर में डाल दें। तो फनल के हेल्प से आप उसको अच्छे से सेट कर दीजिए। देखें, ये पिंक कलर का है। तो ये जो है आपको हार्ड वाटर जो भी है आपके डिशवॉशर में, जो भी आपके घर पे आता है हार्ड वाटर, तो उसको वो सॉफ्टन करेगा और वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा ये जो डिशवॉशर सॉल्ट है। देखिए, ये पिंक कलर का है। तो इस तरह से हमने पूरी तरह से डिशवॉशर सॉल्ट जो है अपने डिशवॉशर में डाल दिया है। और इसके अप्रॉक्सीमेटली ये क्लेम किया जाता है इट विल टेक 28 डेज से एक महीना, मतलब 30-31 डेज तक ये चलता है। डिपेंड्स ऑन कि आपके वाटर की हार्डनेस की क्वालिटी क्या है। अगर बहुत ही ज़्यादा हार्ड वाटर है तो आपको 28 डेज तक चलेगा। अगर हार्ड वाटर कम है,
हार्डनेस कम है तो हो सकता है ये ज़्यादा चले। तो ये जो है दो और स्लॉट हैं, ये रिंस एड का स्लॉट है जो मैं दिखा रही हूँ अभी, और इसके बाजू में जो है वो है डिटर्जेंट का स्लॉट। तो रिंस एड के स्लॉट में हम लोग 200 ml की पूरी बॉटल, मतलब जितना उसके अंदर सफिशेंटली जा सके उतना हम पूरा का पूरा रिंस एड डाल देंगे। और कब जब मैंने रिंस एड डाला था, ये वीडियो मैंने नहीं निकाला है, पर रिंस एड मैंने जब पूरा का पूरा बॉटल एम्प्टी किया था तो मैंने देखा था अराउंड 50 ml या 20-30 ml के करीब जो है रिंस एड बच गया था, और उससे पहले ही वो कंटेनर ओवरफ्लो हो गया था। तो अब मैं दिखा रही हूँ कि डिटर्जेंट हमें कहाँ ऐड करना है। ये वही स्लॉट है जहाँ पर हम लोग टैबलेट भी डालेंगे, इन केस अगर आप डिटर्जेंट और रिंस एड नहीं यूज़ कर रहे हैं सॉल्ट, तो इस तरह से हमने डिटर्जेंट डाल देना है अराउंड 1 to 1.5 tablespoons। ये डिश वॉशर के डिटर्जेंट्स हैं, फॉर्च्यून ब्रांड के हैं। इसमें सारे डिटर्जेंट्स आते हैं डिश वॉशर के, डिश वॉशर सॉल्ट, डिटर्जेंट और रिंस एड, जो कि तीनों चीज़ें लगती हैं आपके डिश वॉशर में। सबसे पहले डिश वॉशर डिटर्जेंट के बारे में मैं बताऊंगी, इसके बारे में सारी डिटेल्स इस पैक पे दी हुई है। फ्रेश सिट्रस सेंट है, का फ्लेवर है, 1 kg का क्वांटिटी है, और ये क्लेम कर रहा है स्पार्कलिंग शाइन देगा, और इसकी प्राइस है 220 rupees। और इसका यूसेज मैनुअल भी इसमें दिया गया है, कैसे यूज़ करना है, जो भी है अपने यूटेंसिल्स को पहले से हमें थोड़ा सा उसके अंदर जो भी फूड है, मटेरियल रेसिड्यू है, उसको निकाल देना है। डिश वॉशर डिटर्जेंट्स उतना ही ऐड करना है जितने की आपके लोड है, और ये बोल रहा है कि इसको फॉर्च्यून के रिंस एड और फॉर्च्यून के सॉल्ट के के साथ यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। और काफ़ी अच्छा डिटर्जेंट है, क्योंकि मैं अभी तक IFB का डिटर्जेंट यूज़ कर रही हूँ, पर मैंने देखा है कि ये IFB के कंपैरिजन में इसका जो रिव्यू है वो बहुत ही अच्छा है। तो ये रिंस एड है, और रिंस एड की क्वांटिटी भी इसकी ज़्यादा है, इसकी 400 ml क्वांटिटी में आता है, और रिंस एड की क्वालिटी ये होती है कि वो बर्तनों में चमक देता है। और क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, और IFB की जो रिंस एड आता है उसकी क्वांटिटी 200 ml की ही होती है, तो उसके कंपैरिजन में भी ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और इसका प्राइस पॉइंट भी बहुत ही अच्छा है। और ये डिश वॉशर सॉल्ट है, डिश वॉशर सॉल्ट जो है आपके वाटर को सॉफ्टन करता है, और कंपलसरी ही डिश वॉशर में डलता है, और ये भी 1 kg की क्वांटिटी में आता है। ये भी रिकमेंड कर रहा है कि इसको डिश वॉशर डिटर्जेंट और सॉल्ट और रिंस एड जो कि फॉर्च्यून का है उसके साथ ही यूज़ करें, पर मैं मिक्स एंड मैच करती हूँ कभी कभी IFB के डिटर्जेंट्स के साथ भी, फिर भी इसका जो रिज़ल्ट है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसका प्राइस पॉइंट जो है IFB के डिटर्जेंट से काफ़ी कम है कि 470 की रेंज में जो है हमें डिश वॉशर डिटर्जेंट, रिंस एड और सॉल्ट सब मिल जाता है, जो कि IFB की जो रेंज है, प्राइस रेंज है वो ज़्यादा है। देखिए सॉल्ट जो है 100 rupees में मिलता है, जबकि IFB का 140 की रेंज में मिलता है, और 2 years की मैन्युफैक्चरिंग गारंटी भी है इसकी। और काफ़ी सारे ये क्लेम कर रहा है कि हर किसी डिश वॉशर के साथ ये कंपैटिबल है, मेरा तो IFB है, पर इसके साथ शायद बॉश और अलग जैसे टाटा के कंपनीज के डिश वॉशर हैं वो भी काफ़ी अच्छे तरह से उसमें भी यूज़ हो सकता है। अब मैं ये पैक खोल के बता रही हूँ, जैसे कि डिश वॉशर सॉल्ट और डिश वॉशर डिटर्जेंट जो है 1 kg के क्वांटिटी में आता है, और जब भी आप डिश वॉशर यूज़ कर रहे हों तो ये देखेंगे कि जो सॉल्ट है उसकी कंजम्पशन ज़्यादा होती है, क्योंकि इंडिया में बहुत सी जगहों पे सॉल्ट वाटर बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हार्ड वाटर और सॉल्ट वाटर ज़्यादा होने की वजह से डिश वॉशर सॉल्ट की क्वांटिटी इन कंपैरिजन टू रिंस एड और डिटर्जेंट ज़्यादा लगती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि डिश वॉशर डिटर्जेंट का टेक्सचर किस तरह से, टेक्सचर मैंने तो ओपन नहीं किया है, पर इसका टेक्सचर बिल्कुल वाइट कलर में है और काफ़ी अच्छा है। और मैंने देखा है कि ये जो है 1 kg का पैक मुझे अराउंड 1.5 months तक मेरे को आ रहा है, जबकि डिश वॉशर सॉल्ट जो है मेरे को 30 days तक इसकी जो है लॉन्गिविटी मेरे डिश वॉशर में है, और रिंस एड तो आप मान के चलिए 2 महीने तक भी चल सकता है, उतनी अच्छी क्वांटिटी है। पर ये डिपेंड करता है आपकी वाटर क्वालिटी पर भी, अगर आपकी वाटर क्वालिटी बहुत ही हार्ड है तो डेफिनेटली सॉल्ट और रिंस एड ज़्यादा लगेगा।
तो ये क्वांटिटी देखिए काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है, 1 किलो की क्वांटिटी में मिल रहा है डिटर्जेंट और सॉल्ट। और एट द टाइम वन टाइम में हम लोग